For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान कटरीना है, दिशा पाटनी है, दोनों ही एक्ट्रेसेस हैं सलमान के साथ, तो ज्यादा एक्साइटमेंट किसके साथ देखने के लिए, कटरीना या कटरीना मैम? कटरीना मैम एक्चुअली उन दोनों की जोड़ी माइंड ब्लोइंग सच में, बहुत पहले से माइंड ब्लोइंग है। हां अच्छा ऑफ कोर्स, अच्छा सलमान के बारे में अगर एक दो अच्छी बातें आप बताना चाहें कि मुझे सलमान बहुत ज्यादा पसंद है इस रीजन से, तो एक एक रीजन जानना चाहूंगी दोनों से। क्या बोल सकते हैं, सलमान खान हर चीज में बहुत स्पेशल चीज है कि उनको कोई भी देख के फ्लैट हो जाए इसी। ओके बढ़िया। एक्चुअली आई एम एक्ट्रेस, सो मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था जय हो की सेट पर पूना में लवासा सिटी, तो जब मैं उनसे मिली थी उनका नेचर आई एम जस्ट मुझे इतना मतलब अच्छा लग रहा था, वो मुझसे बात कर रहे थे, मैं उनके पास साइन लेने गई तो उनके गार्ड्स रोक रहे थे, तो वो बोले नहीं आने दो बच्ची एंड ऑल, सो उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। एंड सेकंड थिंग, वो हमेशा किसी ना किसी को चांस देते हैं, जैसे कि उन्होंने डेजी शाह, जैकलिन, कैटरीना मैम सबको सपोर्ट किया, आगे तक लाया है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा अगर मैं यू नो बात करूँ ऑफकोर्स रेस 3 के डिबैकल के बाद, फिर ट्यूबलाइट भी फ्लॉप हो गई थी, तो लगता है कहीं ना कहीं कि सलमान खान के दिमाग में ये प्रेशर है इस बात का कि भारत को एनी हाउ हिट होना है। हाँ वो हो सकता है, बट अगर सलमान सर की फिल्म है तो ऑब्वियसली सब लोग आते ही है, मतलब मोस्टली फ्लॉप तो नहीं हो सकती आई थिंक सो, बिकॉज ट्रेलर भी एकदम धमाकेबाज है, एज सलमान सर बहुत कूल है, तो मुझे इस बार तो नहीं लगता। अच्छा तो लास्टली जाते जाते सलमान खान के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल पे? वी लव यू सलमान सर। कोई गाना गाना चाहोगे सलमान के लिए? दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैक। हम लोग बहुत बेसुर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग के इमोशंस आई होप सलमान तक जरूर पहुंचेंगे एंड फिल्म भी सुपर डुपर हिट होने वाली है। सो लास्टली जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे सलमान को? सलमान सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और भी कुछ नया लेके आओ क्योंकि हम एंटरटेन होना चाहते हैं। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वेलकम।